फाइनली भारत के दोस्त इजराइल ने अचानक से वो धमाका कर ही दिया जिसका पूरी दुनिया बेसब्री से इंतजार कर रही थी। दरअसल आपको याद होगा कि जब ईरान ने कुछ दिन पहले अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल को अनवेल्ड किया था तो पूरी दुनिया के होश उड़ गए थे और इजराइल पर एक बड़ी जीत दर्ज की थी, क्योंकि ईरान दुनिया का तीसरा ऐसा देश बन गया था जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइलों की ताकत हो। लेकिन अब इजराइल ने कुछ ही दिनों में ईरान के इस सपने को चकनाचूर कर दिया और दुनिया के सबसे पहले हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर को विकसित कर दिया। और इजराइल ने यह दावा ऐसे समय पर किया है जब रिसेंटली रूस ने खुद ऑफिशियली यह दावा किया है कि दुनिया का कोई भी देश हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट नहीं कर सकता। लेकिन अब इजराइल ने आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे एयर डिफेंस सिस्टमों के बाद अब हाइपरसोनिक मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने वाले एयर डिफेंस सिस्टम का ऐलान किया है। और इजराइल के इस हाइपरसोनिक एयर डिफेंस सिस्टम का नाम स्काईसोनिक है और इस हाइपरसोनिक एयर डिफेंस सिस्टम को आयरन डोम को विकसित करने वाले राफेल ने ही बनाया है। और इजराइल आने वाले कुछ ही दिनों में स्काईसोनिक एयर डिफेंस सिस्टम के ट्रायल शुरू कर देगा।